एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। यह सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की फोर्थ वीडियो है। लास्ट थ्री वीडियो में हमने एक में वीडियो में हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था और दो वीडियोस में हमने लैब देखी थी। एक वाली लैब में हमने सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन होते हुए देखा था, डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड रिवील हुए थे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने कैसे हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम उनको सेव कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हम कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हैं जिससे हमारी कम से कम जो इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील हो सके। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हमने कॉन्फ़िगरेशन में अपाची सर्वर में चेंजेस किए थे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, तो हमने इस तरीके से मिसकॉन्फ़िगरेशन होने से प्रिवेंट किया था। आज की वीडियो भी वही है, हमारे पास आज भी अपाची का वेब सर्वर है, उसमें हम आज भी कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस को सॉल्व करेंगे। तो जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको देख लें, जिससे आपको चीज़ क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला है, हमारा पहला गोल जो है, फर्स्ट गोल होगा हमारा डिसेबल करना ई टैग्स को। ठीक है, ई टैग्स को डिसेबल करना है। अब ई टैग्स क्या होता है? ई टैग्स यूज होता है एफिशिएंट कैशिंग परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कि एक रिसोर्स को एक यूनिक आईडी जनरेट होती है और वो रिसोर्स के पास तब तक रहती है जब तक वो रिसोर्स चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, अब हमें इसको डिसेबल करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि ये अपाची वेब सर्वर की कुछ इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटीज रिलेटेड होती है ई टैग्स के। ठीक है, क्योंकि ये ई टैग जो होता है एक स्पेसिफिक फाइल का कंटेन करता है आईनोड वैल्यू, तो ये इन्फॉर्मेशन, खाली यही इन्फॉर्मेशन हार्मलेस तो नहीं होती है, पर ये इट कैन लीड टू सर्टेन अटैक्स वाइल कंबाइंड विद एनएफएस। ठीक है, तो हमें इसको डिसेबल करना है। मैं आपको पहले शो कराता हूँ कि ये कैसा दिखता कैसा है। कॉल कर लेता हूँ मैं हाइफन आई, वही बैनर में ही दिखता है जो हमने लास्ट में देखा था, लोकल पोस्ट। ये एक यूनिक आईडी होती है, ये देखिए, जैसे कि ये है एक यूनिक आईडी होती है, तो इसको हम डिसेबल करेंगे पहले। तो उसको डिसेबल करने के लिए हम जाते हैं, क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम जाएंगे पे स्लैश ETC, सॉरी ETC, वही है हमारा अपाची कॉन अवेलेबल फाइल। ठीक है, अब हम LS-LRT करता हूँ मैं लिस्टिंग के लिए। ओके, /etc अपाची कॉन अवेलेबल। ठीक है, LS-LRT क्लियर कर देता हूँ मैं। security.config फाइल को हमने vi करना है। ठीक है, VI में ओपन कर लिया हमने, इंसर्ट मोड में आई से जाते हैं, प्रेस करते हैं आई। ठीक है, तो अब हमें देखना है ई टैग की वैल्यू को डिसेबल कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं फाइल टैग करके होगा, यहाँ पे फाइल टैग करके सर्च करते हैं। फाइल टैग सिग्नेचर और ट्रेस मेथड, ट्रेस मेथड फाइल टैग करके नन लिखेंगे यहाँ पे हम,
डायरेक्टरी डायरेक्टरी चलिए हम लास्ट में मेंशन कर देता हूँ मैं इसको, लास्ट में चले जाते हैं इसमें। यहाँ पे खत्म हो रहा है मेरे कोड, एंटर कर देता हूँ मैं फाइल टैग स्पेस नन कर देंगे इसे, ठीक है, सेव कर देना, एस्केप एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता था, रीस्टार्ट करनी होती है, ठीक है, स्लैश etc स्लैश init डॉट डी apache 2 स्टार्ट, रिस्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब भी हम सिक्योरिटी डॉट कॉन्फिग फाइल में चेंज करते हैं तो हमें रिस्टार्ट करनी। अब हम फिर से देखते हैं curl hyphen i local host, तो यहाँ पर से रिमूव हो गई वाली वैल्यू, ये टैग ये फील्ड जो था वो रिमूव हो गया रिस्पॉन्स एड्रेस हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिवील करने से ये चेंजेस, अभी जो हमारी मिस कॉन्फ़िगरेशन थी कि शो हो रहा था, डिस्प्ले हो रहा था हमारे हेडर पे ई टैग वैल्यू, ठीक है, तो हमने उसको डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट गोल होगा हमारा गोल सेकंड, तो जो गोल सेकंड होगा हमारा वो होगा हमने जो एलियाज होते हैं, ठीक है, आइकन एलियाज, ठीक है, आइकन एलियाज, एलियाज वो होता है जैसे कोई निक नेम होती है ना चीजों की, वो चीज होता है, तो हमें वो हाइड करना है एलियाज को, ठीक है। तो और ये कोई क्रिटिकल इशू तो नहीं होता है, पर ये भी जो लीड कर सकता है कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर को सम केसेस में, ठीक है, तो हमें इसे डिसेबल एज अ सिक्योरिटी मेजर्स हमें इसे डिसेबल कर देना चाहिए इन चीज़ों, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या होते हैं, कल कर लेता हूँ मैं, कल का फॉर्म होता है क्लाइंट URL, हम कल कर लेते हैं http://icons, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे सो रहा होगा 404 not found, ये जो होते हैं alias और you the request were not found, ये चीजें अभी हम इसको हटाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इनको हमें करना है, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब हमें अब ये जो इसकी कॉन फाइल होगी उसमें हमें चेंज करना होगा एलियास डॉट कॉन फाइल में, क्योंकि हमें एलियास डिसेबल करना है। तो ठीक है, चले जाता हूँ मैं वही जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है etc में होती है, अपाचे टू में आ गए, मोड्स अवेलेबल एलियास फाइल सीटी लगाना भूल गया था मैं, ls-lrt कर लेता हूँ मैं, रिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम vi कर लेता हूँ मैं, alias इसको मेरे पास क्लियर ही कर लेता हूँ, सो नहीं हो पा रहा है, क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ पर vi कर लेता हूँ alias.conf, ठीक है, alias.conf कर लिया मैंने। तो अब मुझे और यहाँ पे जो है इसको, इस चीज को मुझे कमेंट कर देना है, ठीक है, जिससे यूज ना हो सके एलियास। तो कमेंट करने के लिए मैं आई दबाऊंगा, इंसर्ट मोड में आ गए,
हैश लगा दूंगा तो ये कमेंट हो गया। अब मैं फाइल सेव कर दूंगा, एंटर। जब भी हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें रीस्टार्ट करनी पड़ती है अपाची सर्वर, तो अपाची सर्वर रीस्टार्ट कर देते हैं। स्लैश etc init.dev apache रीस्टार्ट। ये अपाची सर्वर रीस्टार्ट होने लग गया मेरा। ठीक है, रीस्टार्ट हो गया है। अब हम फिर से देखते हैं कि हमारा जो वेरीफाई करते हैं ये एलियास डिसेबल हुए या नहीं हुए हमारे। कर्ल हाइफन एस टीटीपी स्लैश टारगेट स्लैश हाइफंस, ठीक है, 404 नॉट फाउंड आ गया। इस तरीके से हम अपने एलियास को डिसेबल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉल हो गया। तो जो आइकन डायरेक्टरी थी वो एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा गोल थर्ड होगा। गोल थर्ड डिसेबल द डायरेक्टरी लिस्ट। ठीक है, डिसेबल करना है हमें डायरेक्टरी लिस्टिंग को। डायरेक्टरी लिस्टिंग का सबको ही पता होगा कि जब हमारे डायरेक्टरीज हमारी लिस्ट हो जाती, कौन कौन सी हमारी डायरेक्टरी है उस वेब सर्वर पे, तो उस चीज़ को हमें डिसेबल करना है। तो पहले मैं आपको शो कराता हूँ, क्लियर कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं ये डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल है या डिसेबल है। पहले कॉल करता हूँ हाइफन एस टारगेट प्लस रिसोर्सेस की स्पेलिंग सही है ना। ठीक है, ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो डायरेक्टरी लिस्टिंग होती है ना, ये लीड करती है, ये भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर को करती है, क्योंकि ये एक्सपोजिंग कर देती है जो नेम टाइप साइज एंड मॉडिफिकेशन डेट ऑफ द फाइल जो भी प्रेजेंट होती है डायरेक्टरी में। तो इस चीज़ से भी जो अटैकर को है बहुत हेल्प मिलती है डायरेक्टरी ट्रेवर्सल में भी, जो मैंने अपनी एक सीरीज में मेरे चैनल में आप देख लीजिएगा, उसकी एक सीरीज पूरी है डायरेक्टरी ट्रेवर्सल और पार्ट ट्रेवर्सल की। तो उस चीज़ में ये हेल्प करता है और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी होता है इससे। उससे सेंसिटिव फाइल्स का उसको पता चल जाता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जैसे कि डीबी की कॉन्फ़िग फाइल हो गई और यूजर नेम पासवर्ड की फाइल जो होती हैं उसके भी इंफॉर्मेशन गैदर कर देता है। तो हमें ये डिसेबल करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी शो हो जा रही है, इनका डेट टाइम नेम कब मॉडिफिकेशन हुआ था उस फाइल में। तो इन सब चीज़ों को हमें शो नहीं करना है, इन चीज़ों को, ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इनको हम हाइड ही करना चाहिए हमेशा एज ए सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, तो अब हम चले जाते हैं। ओपन करता हूँ मैं cd स्लैश etc स्लैश apache2 कॉन फाइल में चले जाते हैं। इसमें भी जाएंगे, जा नहीं पाएंगे, cd यही से जाना पड़ेगा। यहाँ चले गया मैं, ls-lrt कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही होगी apache.conf फाइल में, इसमें जाएंगे हम। तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ठीक है, vi करते हैं apache.config फाइल में, ये चले गए हम। अब हम इसमें देखना है किस चीज़ को, मैं इंसर्ट मोड में चले जाता हूँ, आई बटन प्रेस कर दिया मैंने, नीचे जाते हैं, ऑप्शन इंडेक्सेस टाइप नाम का इसमें ऑप्शन होगा, लॉक्स लॉग लेवल्स दे रखे हैं इसमें, इंक्लूड फाइल डायरेक्टरी ऑप्शंस, ये है जो
ऑप्शंस फॉरवर्डिंग ये नीचे डायरेक्टरीज टैब में ऑप्शंस ये है ऑप्शंस इंडेक्सेस फॉलो सिम लिंक्स। तो हमें इसको चेंज करना है, ऑप्शंस इंडेक्सेस को हमें हटाना है, तो इसको हम कर देते हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये ठीक है। अब मैं इसको एस्केप करके सेव कर देता हूँ जो चेंजेस मैंने किए थे, एंटर मार देते हैं ठीक है। अभी भी हमने चेंजेस किए हैं तो हमें अपाची सर्वर को अपने रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर्विस को, तो मैं चले जाता हूँ /etc init apache to restart ठीक है, रिस्टार्ट कर दिया हमने हो गया। अब हम देखते हैं कि शो हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हम क्या करते थे कंफर्म करते हैं चेंजेस जो हमने किए हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं नहीं हुए। curl-s target / resources एंटर कर देते हैं। अब देखिए यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्स आ गया, तो अब हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं। पहले जब हम ये कमांड चला रहे थे तो सारी डिस्प्ले हो जा रही थी हमारे पास, जो फाइल्स थी उनकी मॉडिफिकेशन, उनका नेम, हर एक चीज, डेट एंड टाइम, सबका क्रिएशन डेट एंड टाइम, ये सारी इंफॉर्मेशन रिवील हो रही थी। पर अब जब हमने उनको डिसेबल कर दिया तो हमें मैसेज आ गया है कि डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। तो इस टाइप से आज भी हमने जो तीन देखे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में मिसकॉन्फ़िगरेशन हुई थी तो उनको हमने ओवरकम किया और उनको हमने सही किया। तो इस तरीके से जैसे हमने देखा कि कैसे इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है बाहर वेब सर्वर में, तो यही चीज़ होती है जो कॉन्फ़िगरेशन में हमें ठीक से मॉनिटर करनी पड़ती है कि हमारी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील तो नहीं हो रही है जिससे अटैकर को कुछ हेल्प मिल पाए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।